हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं फिर एक बड़ा बढ़िया वीडियो लेकर के आया हूं दोस्तों। जो पैसे से परेशान रहता है कि महाराज इतना काम करने के बाद भी पैसा आ नहीं रहा है, पैसा कहां से आए, क्या करें जो पैसा आए, तो मैं इसके ऊपर बात करूंगा आज कि पैसा कैसे आएगा, पैसा आ नहीं रहा है दोस्तों, तो इसी के विषय में हम बात करेंगे। बड़ा मुश्किल से पैसा आता, बड़ा परेशान है पैसे के चक्कर में, यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है। तो आज मैं इसके विषय में बात करूँगा कि पैसा आखिर कैसे आएगा। तो सबसे पहले मैं दो कारण बताता हूँ दोस्तों, हर बार की तरह। तो चलिए, अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास हमेशा पैसा आता रहे, तो उसके लिए मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, कीजिएगा। सबसे पहले यदि आप चाहते हैं कि पैसा आए, तो सबसे पहले सुनिए क्या करना पड़ेगा आपको। आप जहां सोते हैं दोस्तों, आपका सोने का जगह चेंज कीजिए, पहला बात। कहां पे आपको सोना पड़ेगा? और दूसरी बात, यदि आप मेन गार्जियन हैं घर का, तो आप अपना सोने का जगह चेंज कीजिए जहां सोते हैं रात में। हम आपको बता रहे हैं कि आप हमेशा पश्चिम वायव कोण में सोते हैं। दूसरी बात, मैं आपको बता रहा हूं कि आप कहां सोते हैं, आप हमेशा उत्तर पूर्व ईशान कोण में सोते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि आप कहां सोते हैं, आप सोते हैं अग्नेय कोण पूर्व और दक्षिण की कोना में सोते हैं। चलिए दोस्तों, इतनी बात बताया मैंने आपको, आप देख लीजिएगा कि मैंने आपको जो बताया सही बात है कि नहीं। क्या क्या ये जो बताए, कोना कहां पड़ेगा, उत्तर और पूर्व की कोना, उसको ईशान कोण कहते हैं, और जो पूर्व और दक्षिण का कोना है उसे अग्नि कोण कहते हैं दोस्तों, और जो पश्चिम और दक्षिण का कोना है वो नैऋत्य कोण है दोस्तों, और उत्तर और पश्चिम का जो कोना है वो वायव कोण है। आप हमेशा पश्चिम और उत्तर के कोना में सोते हैं दोस्तों, या हमेशा आप पूरब और उत्तर के कोना में सोते हैं दोस्तों, या हमेशा आप पूरब और दक्षिण के कोना में सोते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, या नहीं तो उसी के लगभग में आप सोते हैं। आप कभी भी नैऋत्य कोण में नहीं सोए हैं दोस्तों, याद रखिए मेरा बात, आप नैऋत्य कोण में नहीं सोते हैं, इसलिए आपके पास पैसा का सोर्स नहीं है। मैं वास्तु शास्त्र से प्रमाणित के साथ बता रहा हूं दोस्तों, एक भी बात मेरा यूट्यूब पर झूठ नहीं जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। तो आप कहां सोते हैं, 100% आप वहीं सो रहे हैं, इसलिए आप पैसे के लिए ललायत हैं। और मैं आपको आज से बता रहा हूं, अगर आपको पैसा चाहिए पहला कारण में, तो आपको सोना कहां है, आप अपने घर में पश्चिम और दक्षिण का कोना पकड़ लीजिए घर का। पश्चिम कोना और दक्षिण का कोना का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि चार रूम है, और अग्नि कोण वाला यानी इधर पूरब और दक्षिण का कोना में हम पकड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा, ना ना ना, आपको पश्चिम घर का जो चारों कोण होगा बराबर कीजिएगा उसको घर का, चाहे आपका 10 रूम क्यों नहीं है, या 5 रूम क्यों नहीं, या 2 रूम क्यों नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब तो यहां पर है दोस्तों कि आपको सोना कहां है, आपको सोना है पश्चिम और दक्षिण के कोना में, उसको नैऋत्य कोण कहते हैं। वहां पे एक ऐसा देवता बैठा है वास्तुदेव, जो मेन गार्जियन जो है घर का, उसको जगाया जाता है और कहता, चलो मैं तेरे साथ हूं, देख तेरे द्वार पर कोई आया है तुझे ले जाने के लिए। यानी आपके जगने से पहले आपको कोई कॉल आ जाएगा दोस्तों, आपके मित्र आ जाएगा आपके घर में, आपके दोस्त गांव घर के, चलो भाई आज काम है फलना जगह करेंगे, आप करके देखिए, आप सो करके देखिए वहां पे, मैं जो बता रहा हूं आपको, और कहीं नहीं सोना है दोस्तों। आपको एक छोटा सा उदाहरण बताते हैं, आप किसी कुटमायती में गए, रिश्तेदार के घर में गए, अब आप बताइए रिश्तेदार में आप गए, जो आपके रिश्तेदार हैं आप उसी के घर में ठहरते हैं, या गांव में किसी और के घर में ठहरते हैं आप, क्या क्या भाई दूसरे घर में क्यों नहीं ठहरते, गांव तो वही है, उसके घर में क्यों जाते हैं आप, क्योंकि वो आपको जानता है, आप उसे जानते हैं, आपका रिश्तेदार है। आपको गांव में आप ससुराल ही क्यों नहीं चले गए हैं, लेकिन ससुराल में ही ठहरते हैं, क्यों, अरे चाचा के ससुराल में ठहरो जाके, चाचा जो है आपका चचेरा ससुराल, वहां पे ठहरो, और किसी घर में जाके ठहर जाओ, नहीं ठहरते आप, ससुराल में ही ठहरते हैं, क्यों भाई, आपको वो जानता है, आप उसे जानते हैं, ऐसा नहीं है, वहां से आपका रिश्तेदारी बना हुआ है, इसलिए आप वहीं पे जाते हैं। उसी प्रकार दोस्तों, ये जो है नैऋत्य कोण जो है, ये काम का जगह है, काम देने का घर है,
पैसा देने का घर है दोस्तों, पैसा देता है वो, इसलिए आप वहां सोएंगे। सो के देखिए आप, लगातार सोइए दोस्तों, सो के देखिए, वहां पे जो देवता है आपको ठीक समय पर उठाएगा आपको और कहेगा आ गया तुम्हारे द्वार पर तुम्हें काम देने के लिए, गारंटी बता रहा हूं दोस्तों मैं, करके देखिए आप। इसके बाद कमेंट में कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपके पास पैसा नहीं ठहर रहा है तो क्या करें, सबसे खतरनाक। लेकिन सोना आपको वहीं पे है दोस्तों, और कोई जगह नहीं है। तो आपको करना क्या है, कॉल करना है मेरे पास 7 कलश लेके, छोटे छोटे कलश होते हैं, देखे ना, जो दुर्गा पूजा में हम लोग कलश भरते हैं या कथा में, भगवान का कथा जब होता है तो कलश भरते हैं, उस प्रकार आपको 7 कलश लाना है दोस्तों। 7ों में लाल कपड़े रखना है दोस्तों, ठीक है, अरबा चावल 5 सुपारी रखना है, इसके बाद कॉल करना है दोस्तों। इसके बाद वहां चौका लगवाएंगे, इसके बाद हम यहां से गीत गाएंगे दोस्तों, और वो मोबाइल से आपकी पत्नी उपास करके रहेगी, और इसके बाद देखिए वो आपकी पत्नी का हाथ चलेगी पूरा घर में, वहां माँ भगवती माँ मनुषा की कृपा बरसेगी और इतने शक्ति पावरफुल आएगा दोस्तों। 7 कलश आपको रखना है एक एक कलश के ऊपर में, और इसके बाद जैसे रखेंगे इसके बाद दूसरे दिन से आपको एक एक कलश डेली उतारना है। इससे क्या होगा, आपके घर में जो रुका हुआ पैसा है वो आने लगेगा, जो कर्ज था वो सब मिटने लगेगा दोस्तों, गारंटी कह रहा हूं मैं, करके देखना दोस्तों, कॉल करके देखना दोस्तों, मैं जो कह रहा हूं मेरा एक भी बात झूठ नहीं है। अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, धन्यवाद। मेरा मोबाइल नंबर है 98011 42 252, धन्यवाद।